और खबर डोईवाला से, खनन कारोबारियों की शिकायत पर खनन विभाग में जाखड़ नदी में चल रहे सरकारी चुगान की जांची व्यवस्थाएं। पट्टा संचालकों को मानकों के अनुसार खनन चुगान के लिए दिए गए निर्देश। आशीष यादव की रिपोर्ट। खनन कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने सोमवार को देहरादून में डीएम सोनिका से मुलाकात कर ज्ञापन देते हुए डोईवाला और रानी पोखरी की जाखड़ नदी में हो रहे खनन चुगान की जांच की मांग की थी, जिसके बाद आज डोईवाला और रानी पोखरी की जाखड़ नदी में चल रहे सरकारी पट्टे की खनन चुगान की व्यवस्थाएं नापने पहुंचे जिले के खनन अधिकारी ने जांच पड़ताल की। खनन चुगान कर रहे पट्टा संचालकों को मानकों के अनुरूप पारदर्शिता के साथ खनन चुगान करने के निर्देश देते हुए जिला खनन अधिकारी ईश्वर शाह ने कहा कि अगर अनियमितताओं की शिकायत मिली तो कार्यवाही की जाएगी। खनन विभाग ने नदी में खनन चुगान के मानकों की जांच करते हुए गड्ढों की गहराई नापने के साथ कंप्यूटर, टोल काटा और रवन्ना चेक किया। खनन पट्टा संचालक रायपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि खनन विभाग के अधिकारियों ने नदी में खनन चुगान का निरीक्षण किया है और रवाना के साथ कंप्यूटर और टोल काटा भी जांचा है। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई है। उन्होंने जो है नदी को देखा और नदी में गए। हमारे द्वारा कोई भी अवैध खनन नहीं किया जा रहा है और ये सरकारी लॉट है, ये कोई प्राइवेट पट्टा नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ये प्राइवेट पट्टा है, ये प्राइवेट पट्टा नहीं है, सरकारी लॉट है। इसकी जो एक साल की रॉयल्टी लगभग 5 करोड़ रुपए जाती है, पिछले साल भी गई है, इस साल भी जो है जाएगी। तो सर जो भी लोग कुछ कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, और जिन लोगों के पट्टे हैं प्राइवेट पट्टे हैं या कुछ है हम उनको जानते भी नहीं। सारा सारा जो है रवाना में जा रहा है, जो भी गाड़ी एक एक गाड़ी यहाँ से जा रही है सबका रवाना कट रहा है। पूरी डीवीआर उन्होंने चेक करी है, खनन डिपार्टमेंट ने कोई खामी नहीं मिली। वो ले भी गए, उन्होंने चेक भी कर ली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप भी सामने थे, उन्होंने गहराई भी नापी है, अभी 1.5 मीटर तक पहुँचा भी नहीं है, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है जो है। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।